नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर तरुण और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज से मैं एक सीरीज शुरू करने वाला हूँ जिसमें आपको आपके बालों से संबंधित सारी बीमारियाँ जानने को मिलेंगी। उसके लिए आपको धीरे धीरे करके ट्रीटमेंट जानना होगा कि इसमें क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, उसके क्या कारण होते हैं। सर के बाल झड़ना या दाढ़ी के बाल झड़ना या दाढ़ी के बाल सफ़ेद होना या सर के बाल सफ़ेद होना, तो आपको टोटल जानकारी यहाँ पर मिलेगी और धीरे धीरे करके आप सारी चीज़ें समझेंगे कि इसके क्या कारण होते हैं, कौन से प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हैं और कौन कौन सी होम्योपैथिक कौन सी होम रेमेडीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। तो टोटल आप अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो का मजा लीजिए। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है एलोपीशिया के टाइप्स। यहाँ पे मैं सारी चीज़ें आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा कि किस तरह से कितने टाइप्स का होता है। जब तक आप अपने टाइप को नहीं समझेंगे, उसके कारण को नहीं समझेंगे, तो बेसिकली आप उसका ट्रीटमेंट नहीं जान पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली मैं आपको एक पिक्चर के द्वारा, जो फोटोज होते हैं उनके द्वारा मैं आपको इजीली बहुत ही आसानी से इसके टाइप्स में बताऊंगा। तो सिंपली दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। एलोपीसिया क्या होता है आप सभी जानते हैं। एलोपीसिया होता है कि बालों का झड़ना, हेयर फॉल। मेडिकल टर्म में हम इसको एलोपीसिया बोलते हैं। सर के बाल झड़ना या फिर बॉडी में कहीं पर भी बाल झड़ रहे हैं तो उस कंडीशन को हम एलोपीसिया बोलते हैं। अब यहाँ पर जनरली आज बात हो रही है सर के बालों की, तो ये कम से कम 5 कैटेगरी का होता है, ठीक है। तो 5 कैटेगरी में मैं आपको बताऊंगा कि किस किस कैटेगरी को हम क्या बोलते हैं और कोशिश करूंगा सभी की पिक्चर लगाने की कि आप जिसको आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहली बात करते हैं दोस्तों एंडोजेनिक एलोपीशिया। एंडोजेनिक एलोपीशिया बहुत कॉमन है, लगभग 70% लोगों में एंडोजेनिक एलोपीशिया होता है। एंडोजेनिक एलोपीशिया होता है, आप इसको समझ सकते हैं कि आपको जेनेटिकली, आपको हेरिडिटरी ये प्रॉब्लम हो रही है, आपके बाल झड़ रहे हैं। लेकिन आपके जो बाल हैं वो दो तरीके से ज़्यादा झड़ रहे हैं, इसको मेल पैटर्न बाल्डनेस भी बोलते हैं। और दो तरीके से झड़ने का मतलब है कि एक तो आप बिल्कुल क्राउन से जो ऊपर ये वाला एरिया होता है कि ये वाला एरिया आपका दिखने लगा है, चमकने लगा है। इसकी पिक में ऊपर लगाऊंगा, आप थोड़ा इजिली करके आप समझ जाएंगे, ठीक है। पहली कैटेगरी इसमें क्राउन से आप गंजे हो रहे हैं। सेकेंड इसमें कैटेगरी है वो कि आपकी जो हेयर लाइन होती है, जो आगे की हेयर लाइन होती है, ये वाली जो लाइन होती है, ये आपकी लाइन बहुत पीछे हो गई है, आप यहाँ से गंजे होने लगे हैं ऐसे करके, और यहाँ पे एम शेप बन गई है कि एम शेप आपको आसानी से देखने को मिल रही है। तो एंड्रोजेनिक जो एलोपीशिया है, दो तरीके से आप समझ सकते हैं इसको। एक तो आपका क्राउन बिल्कुल गंजा होने लगा है, सेकेंडरी आपको एम लाइन यहाँ पे शो होने लगी है, इसको हम बोलते हैं मेल पैटर्न बाल्डनेस। सिंपली ये था दोस्तों एंड्रोजेनिक एलोपीशिया। इसकी डिटेल बहुत सारी है लेकिन यहाँ पे मैं सिंपली आपको आइडेंटिफिकेशन दे रहा हूँ कि कौन से एलोपीशिया को क्या बोलते हैं, किस तरह के बाल झड़ने को क्या बोलते हैं। सेकंड की हम बात करते हैं जो कि है एलोपीसिया एरिएटा। एलोपीसिया एरिएटा का मीन्स है कि आपके बाल झड़ने लगे हैं, वो भी गोल गोल करके पैचेस में झड़ने लगे हैं। अब वो छोटे पैचेस भी हो सकते हैं, बड़े पैचेस भी हो सकते हैं, सिंगल भी हो सकते हैं और मल्टीपल भी हो सकते हैं, ठीक है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं एलोपीशिया एरिएटा, जिसको नॉर्मल भाषा में बोलते हैं जी बालों में कीड़ा लग गया। जनरली गांव में ये चीज़ें बोलते हैं कि बालों में कीड़ा लग गया जिसकी वजह से बाल उड़ गए हैं, पपड़ी जमने लगी है, और नॉर्मली ये फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी काफ़ी लोग बोलते हैं। तो एलोपीशिया एरिएटा जहाँ पे पैचेस पड़ने शुरू हो जाते हैं, स्पॉट्स पड़ने शुरू हो जाते हैं, वो बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। अगली की हम बात करते हैं जो कि है दोस्तों एलोपीशिया टोटलिस। एलोपीशिया टोटलिस का मीन्स ये है कि आपके सर के सारे बाल उड़ गए हैं, आप गंजे हो गए, सर पे कोई भी बाल नहीं बचा है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं एलोपीशिया टोटलिस। अगला है दोस्तों इसके अंदर एलोपीशिया यूनिवर्सलिस, जो कि काफ़ी क्रिटिकल है और एडवांस कंडीशन ये होती है एलोपीशिया की। इसमें क्या होता है कि सर के सारे बाल उड़ गए हैं पेशेंट के, सर पे कोई भी बाल नहीं बचा है। उसके साथ साथ उसके आईब्रोज के बाल, जो आईब्रोज होते हैं इसके बाल, और जो आई लैशेस होती हैं, जो ये पलके होती हैं, ये तक उसकी पेशेंट के गायब होने लगी हैं। इस कंडीशन को हम बोलते हैं एलोपीशिया यूनिवर्सलिस। अगली कंडीशन आती है एलोपीशिया बारबी, जो कि होती है कि पैचेस पड़ने लगे हैं दाढ़ी वाले बालों पर, ठीक है। इसकी डिटेल मैंने आपको एक वीडियो में दी हुई है इस तरह वाली कंडीशन के लिए। अगला वर्ड आता है इसमें डिफ्यूज एलोपीशिया एरिएटा। डिफ्यूज एलोपीशिया एरिएटा की पिक में ऊपर लगाऊंगा तो इसको आप आसानी से समझ जाएंगे, जहाँ पे बाल उड़ने लगे हैं और स्कैल्प दिखने लगी है और बाल इकट्ठे होकर ना उड़ के थोड़े थोड़े करके बीच बीच में से उड़ रहे हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा स्पेस दिखने लगा है और स्कैल्प दिखने लगी है और बाल पतले होकर बहुत ज़्यादा टूटने लगे हैं। इस कंडीशन को बोलते हैं डिफ्यूज एलोपीशिया एरिएटा। अगली कंडीशन है दोस्तों इसमें ऑफियसिस एलोपीशिया, इसकी पिक में ऊपर लगाऊंगा। ये भी एक अलग तरह की कंडीशन है जो कि बच्चों में खासकर देखने को मिलती है
और इसमें बालों का जो पैटर्न है वो इकट्ठे होकर झड़ने शुरू हो जाते हैं और वो एरिया चिकना सा फील होता है। इस कंडीशन को बोलते हैं ऑफेसिस एलोपीशिया। ठीक है, तो ये इतनी सारी कैटेगरी हैं एलोपीशिया में, बाल झड़ने में। तो मोस्ट कॉमन जो कैटेगरीज दिखती हैं, इसमें 4-5 बीमारियां मोस्ट कॉमन दिखती हैं, जिसमें एलोपीशिया एरेटा, जहाँ पे गोल गोल चकत्ते पड़ रहे हैं सर में, और एलोपीशिया यूनिवर्सलिस मिलता है, और एंड्रोजेनिक एलोपीशिया मिलता है, जिनके यहाँ से बाल उड़ने लगे हैं। ठीक है, तो ऐसे में क्या ट्रीटमेंट होता है, क्या कारण होता है, इसके लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, और आप मेरे वीडियोस में बने रहिए, आपको मैं परमानेंट सॉल्यूशन दूंगा और इसकी डीप नॉलेज, सही नॉलेज मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो दोस्तों आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।